नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहे जा रहे हो, मुझे खड़े रहने में तकलीफ होती है। हाँ, अब जरा ऊपर देख, जरा और। हाँ, अब जरा मुस्कुरा तो। इतनी देर तक धूप में खड़े रहने के बाद भी क्या किसी को हंसी आ सकती है? ना, मैं नहीं हंस सकती। तुम मत हंस, मेरा क्या, मैं ऐसी फोटो उतार लेता हूँ, तस्वीर के नीचे लिख रखूंगा रोनी सूरत। नहीं तो कर कोशिश हंसने की, भला ये किस देश की हंसी है? हाँ, ये हुई ना बात। होल्ड होल्ड, अरे अरे अरे, तेरे फूल तो तस्वीर में आते नहीं, पीछे हटना पड़ेगा। है क्या हुआ उम्मी? उम्मी हो गई ना शुरू खांसी? होगी नहीं, मैंने तो जब ही कहा था कि ज्यादा उछल कूद मत करना, तबीयत जरा संभली नहीं, लगी उधम मचाने, अब भी बुखार आ गया तो। मैं इसमें इस बेचारी का कोई दोष नहीं, मैंने ही रोक रखा था। तुम पानी लेने जाओ, मैं इसे अंदर ले जाता हूँ। चल उम्मी, चल मेरी बहन। मेरा जीवन तो शायद बिस्तर को लेकर लेते ही कटेगा, मुझे बीमारी कभी नहीं छोड़ेगी भैया। क्यों नहीं छोड़ेगी? जानती है आजकल टीबी की कितनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ निकली हैं, तू फजूल मत सोचा था। मगर स्थिर देहात ने वो सब इलाज कहा। तो हम क्या हमेशा इस गांव में रहा करेंगे? अरे पगली, नौकरी मिलते ही कलकत्ते जाकर एक मकान ढूंढूंगा और तुझे माकमा ले जाऊंगा। अच्छा? हाँ, फिर किसी अच्छे से अस्पताल में तुझे भर्ती कर तेरी बीमारी का इलाज करवाऊंगा। जब तो बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, तब एक मोटे काले भैंस जैसे आदमी से तेरी शादी करके तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा, और उसके बाद एक गोरी चिट्टी जरा दुबली जरा पतली एक नाजुक सी लड़की से शादी करके। एक चिल्ली जी, पहले आपको नौकरी तो मिल जाए। मिल जाए माने? जरूर मिलेगी, बस जरा पास हो जाऊं। तुम्हारा नतीजा कब निकलने वाला है भैया? कुछ ही दिनों में, मैं अपने दोस्त से कह के आया, नतीजा निकलते ही मुझे खबर कर देगा, और जब मैं पास हो जाऊंगा। अरे नहीं बाबा, अभी नहीं कहूंगा, अगर फेल हो गया तो। नहीं, तुम फेल नहीं, जरूर पास हो जाओगे। सच? तेरी 100 बरस की उम्र हो। टीबी की रोगी को तुम 100 बरस का आशीर्वाद। फिर वही बात। अच्छा ठहर, मैं तुझे कविता सुनाता हूँ। नहीं, इस वक्त कविता सुनने को मन नहीं। मन नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुझे एक गाना सुनाता हूँ। आपके नाम एक तार है। अच्छा, देखो दो नंबर। किसका तार है भैया? पता नहीं, इसे खोलते हुए मेरा दिल तो धड़क कर रहा है। शायद तुम्हारे पास होने की खबर आई है। अरे बाप रे, तब तो तू इसे पढ़, मैं नहीं पढ़ूंगा। अरे तू चुप क्यों रह गई? बोलना क्या लिखा है? बहुत अच्छी खबर है भैया, तुम पास हो गए। हैं? जरा जोर से बोल। तुम डिस्टिंक्शन लेकर पास हुए हो। सच? देखो देखो। माँ, माँ! अरे शोर शोर, गिर जाओगे, बात क्या है?
पाऊंगा। अभी अभी तारा आया, देखो अब कोई चिंता नहीं। पिताजी के दफ्तर के साहब ने कहा था अगर मैं बी पास कर लूँ तो मुझे जरूर नौकरी देंगे। मैं कलकत्ते जाऊंगा और नौकरी लगते ही तुम्हें और उम्मी को वहां ले जाऊंगा। भगवान की बड़ी दया हुई, मैं जाऊँ शिवालय में जाकर पूजा से बाहर आती हूँ। ये चेन बंधक रख के कुछ रुपए उधार दे दीजिए। लड़का शहर जा रहा है, बिल्कुल खाली हाथ कैसे भेज दूं? सोना कुछ खरा नहीं, काफी मिलावट है इसमें। गोवर्धन जरा परख तो इसे। ले बेटा, ये थोड़े से रुपए हैं, रख ले। परदेश जा रहा है तो बिल्कुल खाली हाथ जाना ठीक नहीं। अच्छा दो, मगर इतना समझ रखो कि आखिरी बारी तुमसे पैसे लिए मैंने, आइंदा मैं तुम्हें पैसे दिया करूंगा। हाँ बेटा, तू ही तो देगा। आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो हम दोनों यही सपना देखा करते थे कि बड़ा होकर तू कोई अच्छी सी नौकरी करेगा। बस भरा ही आंखें। क्यों रही उम्मी, मेरी कविता की किताबें बिस्तर में रख दी कि नहीं? हाँ हाँ रखती है, आखिर कितनी बार पूछूंगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे प्राण तो जैसे उन किताबों में ही बसते। बेटा, भगवान का नाम लेकर गाड़ी में बैठ जाओ, स्टेशन यहाँ से बहुत दूर है। और पहुँचते ही चिट्ठी लिखना, तुम्हें तो चिट्ठी लिखने की आदत ही नहीं भैया। अच्छा अच्छा, पहुँचते ही लिखूंगा। बड़ा ख्याल से रहना बेटा। उम्मीद तू भी जरा होशियारी से रही हो। चल भाई गाड़ी वान। आप यहाँ के मैनेजर हैं? जी हाँ, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ। नमस्कार, यहाँ रहने को जगह मिल जाएगी? जनाब आए कहाँ से हैं? आज ही गांव से आया हूँ। आपका शुभ नाम? रतन कुमार चौधरी। आप काम क्या करते हैं? जी फिलहाल तो बेकार हूँ। लो किसी, अब चार जने हुए। आपने कुछ कहा? जी नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपकी तरह यहाँ और भी तीन महाशय हैं जो साल भर से रोज ही नौकरी मिलने की उम्मीद करते आ रहे हैं। खैर 20 रुपए पेशगी देने पड़ेंगे। जी अगर देने ही पड़ेंगे तो देता हूं। हरी, अरे ए हरी जी। अरे बुद्धू कहां रहता है तू, 3 बार पुकारने से पहले जवाब तक नहीं देता। तो कहा भैया जो 3 बार पुकार लिया आपने, आखिर 3 बार भगवान का सुमिरन है तो हुआ। बकबक मत कर, बाबू साहब को बेकार ब्लॉक में सिंगल सीटेड रूम खोल दे। क्या बेकार ब्लॉक? अब कोई चिंता नहीं। क्या है रे? देख अखबार में क्या लिखा है, देश भर में अब कोई बेकार नहीं रहेगा। क्या गर्मा गर्म खबर है। तो इस अखबार को ताबीज बनाकर अपने गले में लटकाया। अभी तो तेरा कोई काम नहीं बनता कहीं, बस तुझे अखबार के छपे हुए लफ्जों पे भी यकीन नहीं होता। ज्यादा बकबक मत कर, जरा सी बात के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। अगर सुबह सुबह मैं उठ जाऊँ तो मुझे भूख लगती है, बता मैं अब क्या कहूँ। आज मेरे पास बड़ा अच्छा नाश्ता है। क्या है? और साहब मैंने ठीक है चने धक कह दिया। अभी नाश्ता जितना सस्ता है उतना ही ताकत वाला भी है। ज्यादा बकबक मत कर, मुझे सोने दे। अभी और भी ऊपर जाना है, एकदम स्वर्ग में ले जाओगे। तो मैं क्या करूं, मैनेजर बाबू ने कहा कि इन्हें बेकार ब्लॉक में ठहरा दो, वहीं ले चल रहा हूं। अच्छा ये मुझे दे दो, तुम बूढ़े आदमी हो थक जाओगे। जीते रहो बाबू। आज तक इस बुढ़े का दर्द यहां किसी ने नहीं समझा था। इस कमरे में कौन रहता है?
तीन ठो बेकार बाबू लोग रहते हैं, करीब एक बरस से कलकत्ते के ऑफिस ऑफिस छान रहे हैं, पर कहीं काम ही नहीं मिलता। मेस का भी कई महीनों का बकाया हो गया इन पर। आओ ये कपड़ा तुम्हारा। हमारे बेकार ब्लॉक में आज एक नया मेंबर आया है, तो चलो फिर आज की हमारी चाय वाय उसी के सर रहे। अरे अरे जरा सबर करो, अभी अभी तो आया है बेचारा। सुनो आज एक ऑफिस में नौकरी मिलने का चांस है, मैं जरा जल्दी जाना चाहता हूँ। खाना कितने बजे तक मिल जाएगा? खाना 9 बजे तक बिल्कुल तैयार हो जाता है, यहाँ बहुत से ऑफिस के बाबू लोग रहते हैं। मेरा कोई एक मालिक थोड़ा है, जाऊं देखूं कौन क्या चाहता है। अरे आ रहा हूं। नमस्ते। नमस्ते। आप? मैं शंकर हूँ, इस कमरे में रहता हूँ। आपका शुभ नाम? रतन कुमार चौधरी। आप जरा देर पहले ही तो आए हैं, फिर कहाँ जा रहे हैं? आइए ना अंदर आइए। नहीं भाई मैं जरा जल्दी में हूँ, एक जगह नौकरी मिलने की उम्मीद है, वहीं जा रहा हूँ। तब तो नहीं रोकूंगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तो तुम हमारे राम प्रसाद जी के बेटे हो? तुम्हारे पिता बड़े सज्जन पुरुष थे। अच्छा, जो भगवान की मर्जी। तुम तो काफी बड़े हो गए हो, बीए कब किया? जी इसी बरस, और आपके आशीर्वाद से डिस्टिंक्शन लेकर पास हुआ। अच्छा गुड गुड, ठीक मौके पर आए थे। हमारे जनरल सेक्शन में एक और आदमी रखा जाएगा, तुम ऐसा करो वो देखो काउंटर के पीछे हमारे हेड क्लर्क बैठे हैं, और तू जरा उनसे मुलाकात करना। जी बहुत अच्छा, कल भिजवा दिया जाएगा भाई। नमस्ते। अच्छा और आई, मेरा नाम रतन कुमार है, मैं राम प्रसाद जी का पुत्र हूँ, पिताजी यहीं काम करते थे। ओ तो क्या चाहिए? पिताजी की मृत्यु से पहले यहाँ के मैनेजर साहब ने वादा किया था अगर मैं बीए पास कर लूँ तो मुझे जरूर नौकरी देंगे। मैंने इसी बार डिस्टिंक्शन लेकर बीए पास किया है और मैनेजर साहब से मिलना चाहता हूँ। इस वक्त कोई जगह खाली नहीं, लेकिन अभी अभी तो किसी ने बताया कि कोई किसी के कहने से क्या होता है, जब मैं कह रहा हूँ कोई जगह खाली नहीं। तो भी अगर एक बार मैनेजर साहब से मुलाकात, कोई फायदा नहीं होगा, बिगड़ जाएंगे। बेहतर यही है अगर कोई अर्जी वर्जी लाए हो तो दे जाओ, आइंदा कोई जगह खाली हुई तो मैं जरूर तुम्हारी सिफारिश करता हूँ। हाथ ही से लिख रहा है, तुम्हारी लिखाई अच्छी नहीं है, अर्जी टाइप करके देनी चाहिए। खैर मैं इसे रखे लेता हूँ, अगर कुछ हुआ तो तुम्हें खबर भिजवा दूंगा। नमस्ते। एंड फर्दर वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू। सुनो बेटा क्या कहा बड़े बाबू ने? वो तो कहते हैं यहाँ कोई जगह खाली नहीं। ये क्या क्यों शोना, तुमने तो कल कहा था कि जनरल सेक्शन में एक आदमी और रखा जाएगा। हाँ पर बड़े बाबू अपने ताले पे भी कोशिश कर रहे हैं। मगर वो तो ग्रेजुएट नहीं है। तो क्या, ग्रेजुएट से भी बड़ी क्वालिफिकेशन है बड़े बाबू का साला। बैड लक। कोई बात नहीं, मैं किसी और जगह कोशिश कर लूंगा। अच्छा नमस्ते, फिर मिलते रहना। नौकरी मिली नहीं? मिली क्यों, मिल तो जरूर जाती पर बीच में बड़े बाबू का एक साला टपका। हाँ जी आजकल बस यही होता है, कहीं बड़े बाबू का साला उम्मीदवार होता है, कहीं छोटे बाबू का जमाई। पूरे एक साल से कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं होता। आप निराश क्यों होते हैं? कोशिश करने से कोई ना कोई काम तो जरूर मिल जाएगा। मैं तो हार चुका हूँ, आप जोर लगा देखिए अगर आपकी किस्मत साथ दे जाए।
आपकी बहन का नाम वेटिंग लिस्ट में दर्ज कर लिया है। अंदाजन कितने दिनों तक बेड खाली हो जाएगा? ये कैसे कहा जा सकता है? आप अपना एड्रेस लिख दीजिए, बेड खाली होते ही आपको खबर भेज दी जाएगी। क्यों जी रतन बाबू, मैं पूछता हूं कि जब तुम खुद ही दो तीन अखबार रोज खरीद लाते हो तो मेरे अखबार के पीछे क्यों पड़े हाथ धोके? ये लीजिए। अरे ये लाल नीले निशान लगाकर इसकी हालत क्या कर दी? जी नौकरी की तलाश में हूं ना, इसलिए जहां भी अखबार में जरूरत है का इश्तार देखता हूं, अर्जी भेज देता हूं, कौन जाने कहां काम बन जाए। हाँ कोशिश किए जाओ भाई, कभी ना कभी तीर निशाने पर लग ही जाएगा। हाँ अगर कहीं तुम एक दो महीने पहले आ जाते तो मैं अपनी मिली ही में तुम्हें नौकरी दिला देता। अच्छा? हाँ, उस वक्त एक जगह खाली हुई थी तो मैंने अपने दोस्त के भाई को दिला दी, और समझ लो कि बड़े साहब तो मेरी उंगलियों पर नाचते हैं। अब अगर कोई जगह खाली हो तो हाँ जरूर, ये भी कोई कहने की बात है। हरी, ओ हरी आया। कहा कितने बज गए पता है ना? चाय नहीं देगा? ऐसे बिलायती ट्रेन से चाय वाय चाहिए तो हर घड़ी का नहीं खरीद देते मुझे? मेरे पास पैसे नहीं इसलिए तू मजाक करता है। अच्छा ठहर, नौकरी लगती तुझे 10 रुपए बख्शी दूंगा। पैसा नहीं है तो बाबूगिरी करे बदे टकटक मशीन का एक खरीद लिया। खरीदी कहा रे? 15 रुपए जमा करा के 10 रुपए महीने की किस्तों पर लाया, मजबूरन लानी पड़ी क्योंकि मेरे हाथ की लिखावट अच्छी नहीं है। इसके अलावा आजकल हाथ की लिखी दरखास्त से नौकरी मिलना तो कहीं दूर की बात, कोई पढ़ के देखता तक नहीं। फिर नौकरी लगते इसके सारे पैसे चुका दूंगा। इतनी दरखास्तें भेजी था, एक भी नौकरी नहीं मिलेगी, पर रेलवे वाली नौकरी तो जरूर मिल जाएगी। जा तो मेरे लिए कप चाय ले और जरा लेटर बॉक्स देखता, शायद मेरे को चिट्ठी आई। और सुन, लेटर बॉक्स जरा अच्छी तरह से देखती हो, समझा? जी समझा, लेटर बॉक्स ठीक से देखना होगा। दादा कौन है? उधर नहीं, इधर, इधर ऊपर एक हाफ सिगरेट है आपके पास? हाफ सिगरेट? मैं सिगरेट नहीं पीता। चलो चाय। अरे एक साथ कितने चिट्ठी? कपड़ फोड़ डाला, ये फजूल ने पैसा के नुकसान दे। अरे कुछ परवाह नहीं, इनमें से एक चिट्ठी ऐसी भी हो सकती है जिसका दाम 500 कपड़ से ज्यादा हो। अरे पर भाई तो मैनेजर अपना गला पकड़ेंगे। दिस ग्रेट टीम इतनी जल्दी कौन काम की? अफसोस, तो गरम गरम चाय, हाथ जल जाए, पांव जल जाए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक साल बाद मैं साल भर तक बैठा रहूंगा। चलो कोई बात नहीं, आज के अखबार में तो अच्छी नौकरी का इश्तहार है, अर्जियां भेज देता हूँ, एक तो जरूर मिल जाएगी। भगवान करे मिल जाए बाबू। मिलेगी क्यों नहीं है, मैंने बीए पास किया, कोई घास नहीं काटी। जा तू एक कपड़ चाह लिया। और सुन, हाँ जरा खिड़की खोलता जा। अरे खिड़की बंद कर दी। सामने वाले घर में बांस जैसी लंबी लड़की है ना, आज भी खिड़की के सामने खड़ी होकर पढ़ा रही। उसका पढ़ना लिखना जो कुछ होता है सब खिड़की के सामने। तुझे पंचायत करने को किसने कहा? चल खोल दे खिड़की, मुझे गर्मी लग रही है। खोल तो देता हूँ मगर इधर ज्यादा ताक झांक नहीं करना। नहीं नहीं, ज्यादा ताक झांक तो तेरी मूछों वाली सूरत पर ही करूंगा। तुम्हें भी शहर की हवा लग गई, तू बकबक मत किया कर, समझा? जी समझा, बकबक नहीं किया कर। हे महासुंदरी, हे महासुकुमारी, आहा महाजादूगरनी, मैं तुम पर जाऊं, मैं तुम बिन अधूरा, जैसे नमक बिन दाल, दाल बिन भात। ओ हरी, कहा नीचे के कमरे में कौन रहता है? ललित बाबू, उन्हें भी तुम्हारी जैसा रोग है। क्या मतलब? तुम ढेर ढेर से दरखास्त लिखते हो, वो ढेर ढेर तक कवित्व लिखते हैं। कवि है? कवि, कवि नहीं, कपि माने बंदर, समझा? जी समझा, कपि माने बंदर।
जरा अपना पेन दीजिए तो। मैं आप ही से कह रहा हूँ, अपना कलम दीजिए ना। मेरे टाइपराइटर से टी ठीक नहीं छपता, आई हो जाता है, सेकंड हैंड है ना। देखता हूँ आपका पेन भी मेरे टाइपराइटर जैसा ही है। नहीं, वापस दे दीजिए। जरा ठहरिए, देखिए मेरी बस भी मिस हो गई, दूसरी आ जाएगी। आपकी जान पहचान शायद बहुत ज्यादा है, देखती हूँ काफी चिट्ठियां ली। जी ये चिट्ठियां नहीं, नौकरी के लिए दरखास्त है। फिलहाल मैं बेकार हूँ ना, इसलिए रोज सवेरे उठकर जहाँ भी अखबारों में जरूरत है का इश्तहार देखता हूँ, अर्जियां भेज देता हूँ, फिर दोपहर को ऑफिसों के चक्कर काटता हूँ। कहीं कहीं तो काम बनी जाएगा, क्यों, मैंने बीए पास किया है, कोई घास नहीं काटी। वो मेरी बस आ गई, कलम दी। सुनिए, मेरा नाम रतन है और आपका? सीमा। देखो भाई, मैं जरा मैनेजर साहब से मिलना चाहता हूँ। क्यों, क्या काम है? यही किसी नौकरी वोकरी के सिलसिले में, शायद कोई जगह खाली। ना ना ना, यहाँ कोई जगह खाली नहीं, देखा नहीं बाहर नो वैकेंसी का बोर्ड लगा हुआ है? तो भी अगर किसी तरह मुलाकात दिया ना, साहब से मुलाकात नहीं हो सकती। बाप रे बाप, तो मैनेजर का ही बाप निकला। सर, मैंने 21 बरस डिस्टिंक्शन लेकर बीए पास किया है, उम्र 21 बरस, चाल चलन उमदा, गेम्स और स्पोर्ट्स में एक नंबर हूँ। ये रहे मेरे सर्टिफिकेट, मुझे एक नौकरी चाहिए। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? देखा नहीं बाहर नो वैकेंसी लिखा है? जी देखा तो है, मगर सुना है बाहर नो वैकेंसी की पट्टी टंगी रहने पर भी अंदर कोई ना कोई जगह खाली होती है। ऐसे दीजिए ना सर एक नौकरी। तुम्हारा फजूल बातें सुनने का टाइम मेरे पास नहीं है, बाहर निकल जाओ। गेट आउट, यू यू गेट आउट। आप बेइज्जती क्यों करते हैं साहब? नौकरी मांगना कोई भी मांगना नहीं है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अरे जाओ मर गया था तो। सॉरी, ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारू में और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक्ट।